हेलो दोस्तों, मैं अतुल। आज आपको अपने चैनल पावर 32 में मोटरसाइकिल में जो इंजन ऑयल होता है उसका लेवल चेक करने का सही तरीका क्या है और कैसे चेक करते हैं इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो कोई भी मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर हो, वो सर्विसिंग के 500 से 1000 किलोमीटर के बाद जो उसका इंजन ऑयल होता है उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे वो आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इंजन ऑयल लेवल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका मॉर्निंग में ही होता है। मॉर्निंग के समय ही चेक करिए, और उससे पहले आप उसे एक दिन पहले रात को अपने व्हीकल को मेन स्टैंड में या सेंट्रल स्टैंड में लगा दीजिए। उसके बाद ये जो आपको कैप दिख रहा है इसे बेसिकली फ्यूल गेज हमारे तरफ बोला जाता है। तो इस फ्यूल गेज को आपको ओपन करना है। तो इसको ओपन करना इजी है, प्लास के हेल्प से आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसको निकालने के बाद इस तरह आपको एक साफ़ कपड़े से इसको साफ़ कर लेना है, इस पे जो ऑयल लगा होगा। और अगर आप इस ध्यान से देखेंगे तो इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आपका इंजन ऑयल होना चाहिए, बेसिकली ऊपर तक होना चाहिए, यहाँ तक जहाँ कट लगा हुआ है। अगर ऊपर तक है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल है। अगर सूखा हुआ है या फिर बहुत नीचे है तो आपको इसे टॉपअप करने की ज़रूरत है। अब इसको वापस डालेंगे, और ध्यान रखना है इसको टाइट नहीं करना, बस इसको ऊपर ऐसे डाल कर 1-2 सेकंड बाद वापस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ तक इंजन ऑयल आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो गाड़ी में इंजन ऑयल है वो ठीक है। अगर ये सूखा हुआ आ रहा है या फिर आपका इंजन ऑयल कहाँ बार बार कम हो रहा है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका बटन आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।